देवरिया जनपद के बघोच घाट थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में डीही की जमीन पर रोड के विवाद में बड़ी अनहोनी हो सकती है। आपको बता दें कि हरपुर गांव में विगत कई वर्षों से डीही की जमीन पर खंडजा का रोड होने के कारण ग्रामीणों का आवागमन होता रहता है, लेकिन कुछ लोगों के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गाँव के एक व्यक्ति ने 6 फीट के रोड पर जबरन गड्ढा खोद कर अवैध कब्जा करके रोड को बाधित करने की कोशिश की है और जिससे ग्रामीणों का आवागमन ठप हो जाएगा और आने जाने के लिए हम लोगों को परेशानी हो जाएगी। अगर इसका सलूशन नहीं निकला तो विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। पीड़ित केदार प्रसाद ने बताया कि हमारे बगलगीर उमेश राय पुत्र सुदामा ने खंडजा रोड को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे रोड अवरुद्ध हो जाएगा। हमारे दरवाजे पर विगत कई वर्षों से चार पहिया वाहन ट्रैक्टर ट्रोली आते जाते हैं। अगर उमेश राय के द्वारा दबंगई से रोड को कब्जा कर लिया जाएगा तो हम ग्रामीणों का आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसकी सूचना लिखित तहरीर बघोच घाट थाने में की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उमेश राय ने बताया कि हम अपने डीह के जमीन में मकान का निर्माण करवाने के लिए गड्ढा खोदे थे और हम आने जाने के लिए 6 फीट का रास्ता छोड़ा है। हमें किसी से कोई विवाद भी नहीं है और यहाँ कभी भी चारपहिया वाहन व ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं गुजरी है। ये बहुत पुराना खंडजा है जो पहले 4 फीट था, अब 6 फीट हो गया है। कार्य यहाँ पे कराया जा रहा है, क्या ये रास्ते के बीच में कराया जा रहा है या उचित कराया जा रहा है? सर, इनका पहले तो खपड़ा का मकान था, डी का जमीन है और इसके पहले जो खड़ंजा हुआ था सन 2001-02 में तो 4 फीट का खड़ंजा हुआ था। उसके बाद हम लोग किसी तरह से इनके पिताजी को रिक्वेस्ट करके 6 फीट का खड़ंजा करा दिए। आज भी जो निर्माण कर रहे हैं तो 4-5 इंच छोड़ के ही करेंगे। यह बात ये लोग बहुत पहले भी थाने पर दरखास्त दिए थे, इसके लिए एसओ साहब ने पंचायत कराया और ये लोग स्वीकार कर लिए कि 5 इंची छोड़ के बनाया जाएगा। इसमें कोई अवैध निर्माण नहीं हो रहा है, इनका पुश्तैनी यहाँ मकान था। इसके पहले चार पहिया गाड़ी इनके दरवाजे तक नहीं कभी नहीं गया है। इसके पहले देख लीजिए मौके पर ये 2-2.5 फुट के गुप्ता जी मकान बनवा चुके हैं। अगर यहाँ तक गाड़ी घोड़ा आता था तो सिर्फ हमारे इनके उमेश राय के द्वार पर ही आता था। मानवता से ये लोग भले जो भी अपना काम करते थे, आज ये लोग दबंग और हरिजन अनुसूचित होने का नजायज फायदा उठा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ तो मैं ग्रामीण हूँ सर, लेकिन वो नीचे जो खड़ंजा हुआ है उसको भी देख लीजिए। वो पहले के प्रधान प्रमोद सिंह ने कराया है जी। ये जो ऊपर जो खड़ंजा दिख रहा है वो श्री राम राव भगत ने करा है। तो जब खड़ंजा हुआ तो तत्काल जो है कि 9 इंची वहाँ से हटा दिया गया जी। और पहले यहाँ से गाड़ी आती जाती थी। इस खड़ंजे से किसी को ऑब्जेक्शन है? किसी को आपत्ति है? किसी को आपत्ति है? ये बंद है तो किसी को आपत्ति तो नहीं है सर। तो ये जो निर्माण कार्य मकान का हो रहा है, क्या वो उचित है, लीगल है, क्या लीगल है? होना चाहिए वो वहाँ नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा दक्षिण माने मतलब सड़क का रास्ता छोड़ के होना चाहिए। ठीक, थैंक यू, ठीक, थैंक यू। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुभाष प्रसाद। ठीक। मकान था, गाड़ी घोड़ा पैदल जो कुछ था जाते थे। ये पुरुष साइड का मकान बन रही, इनके पिताजी बोले आगे हमारा जगह है, हम इस जगह में मकान बनवा देते हैं, इस जगह से पश्चिम साइड से आप लोग निकल जाइए। हम बोले भाई ठीक है, हमको किधर जाने का है ना, तो मकान पश्चिम साइड पूर्व साइड बन गया। ये बता रहे कि पहले 4 फीट का रास्ता था, फिर अगले नहीं नहीं, तो गलत ये तो गलत सवाल बताइए। 4 फीट में गाड़ी घोड़ा 40 ट्रेटर जाएगा, आप समझ लीजिए मकान हमारा कैसे बना। हाथ कपास लेकर ये बता रहे हैं यहाँ से गाड़ी कभी गुजरा ही नहीं है। आप ही समझ लीजिए गाड़ी मकान कैसे बनी है, 40 ट्रेटर जो गया तभी तो मकान बने हैं। हम तो गलत बोल रहे हैं। कितने दिनों पहले से रास्ता बंद है आपका? अभी तो रास्ता हमारा बंद हुआ, ये मार्च से ही बंद हुआ है। अगर इसके पहले रास्ता आवागमन पहले सब कुछ था साहब, गाड़ी आती थी आपके दरवाजे, गाड़ी 40 ट्रेटर में देखिए खाद सब कुछ हमारा 40 ट्रेटर से ज्यादा था। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जैसे पहले मेरा गाड़ी घोड़ा हम आते जाते थे वही हमको चाहिए, दूसरे के अलावा नहीं चाहिए। हमको कोई विवाद नहीं है, हमारा गाड़ी ट्रेटर हमारे दरवाजे पर चले जावे। क्या नाम पड़ेगा आपका? केदारनाथ प्रसाद। कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम सभा तुरपट्टी हरपुर। ठीक। ये लोग कह रहे हैं कि ये रोड की जमीन, यहाँ लोग आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अगर आप यहाँ निर्माण करवा लेंगे तो यहाँ से ग्रामीण कैसे गुजरेंगे? जी सर, मैं बता रहा हूँ, ये जो है जमीन है यहाँ पर हमारी पुरानी मकान थी जी, पुश्तैनी मकान थी। वो मकान गिर गई, वापस इस पर मैं अपना मकान बना रहा हूँ और अलेवल 6 फीट का जो खड़ंजा है वर्तमान में
उतना खड़ंजा मैं देने के लिए एक रही हूँ, और जो पापा देख के चले गए उसमें कोई मुझे हस्तक्षेप नहीं करना है। आपके बगलगीर बता रहे हैं कि आप काफी दबंग व्यक्ति हैं और अपने दबंगई से ये निर्माण करवा रहे हैं, आपसे गांव के सारे लोग डरते हैं। जी सर, ऐसा है कि यहाँ पर गांव के सारे लोग हैं, एक आदमी से पूछ लीजिए, हमारे घर से किसी को आज तक कभी एक रेत झगड़ा तक भी हुआ है तो सब लोग किसी से एक आदमी से पूछ लीजिए। उनका यह अभी कहना है कि इसके पहले उनकी चार पहिया गाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली इसी रास्ते से होकर जाती थी और अभी आने में दिक्कतें हो रही हैं। पहले तो रोड था ये। सर ऐसा है कि पहले खड़ंजा था 4 फुट का, उसके बाद दूसरी प्रधानी में 6 फुट का हुआ जी। तो आप बताइए कि 4 फुट 6 फुट में गाड़ी घोड़ा कैसे जाएगी। दूसरी बात ये कि जो भी वो खड़ंजा हो गया है उसमें मुझे एक हस्तक्षेप नहीं करना है, और मुझे पुरानी मकान हमको तो सर घर तो बनाना पड़ेगा ना सर। ठीक है।